बनाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है रॉ बनाना। सो रॉ बनाना हमने यहाँ पे 6 लिए हैं, क्योंकि रॉ बनाना में हमें 2 टाइप के बनाने हैं, तो इसलिए हमने 6 लिए हैं। तो ये चिप्स बनाने के लिए है। और दूसरा हमने लिया है 1 ग्लास पानी का, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक लिया है। तो गाइज अब हम बनाएंगे इसमें चिप्स, और ये नवरात्रि स्पेशल चिप्स हैं। तो इसमें हम नॉर्मल जो नमक यूज़ करेंगे वो उपास वाला नमक रहेगा। सो चलो आओ शुरू करते हैं हम कैसे बनाते हैं इसे। और एक चीज़, जो हमने तेल लिया है वो नारियल का लिया है। नारियल के तेल से चिप्स बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनते हैं। इसमें फ्राई करोगे तो आपको एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा चिप्स में। तो चलो हमने यहाँ पे नारियल का तेल हम पहले फ्राई करने के लिए रख देते हैं। हमने नारियल का तेल जो है वो कढ़ाई में रख दिया है, और इसको मीडियम आँच पे कर दिया है हमने। तो ये धीरे धीरे बॉईल होता रहेगा, गर्म हो, जब एकदम से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम चिप्स डालेंगे। तो तब तक हम जो रॉ बनाना लिए थे हमने, इसे हम कट करके ले लेते हैं। रॉ बनाना को हमें कट कैसे करना है, पहले हमें इसे इसके जो दोनों साइड है वो कट करने हैं। और मैंने नाइफ़ ली है, ये आपके पास जो भी नाइफ़ है वो यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैं दोनों तरफ से कट करके ले लेती हूँ। सो गाइज मैंने इसको एक तरफ से कट करके ले लिया, ये देखिए। और अभी इसको मैं दूसरी तरफ से भी कट कर लेती हूँ। सो हमने इसे दोनों तरफ से कट कर लिया है, और अभी हम जो बनाना को कट करेंगे वो हम इसे ऐसे ऐसे यहाँ से नाइफ को बीच में से ऐसे रख के इसका जो बाहर का जो रॉ का छिलका है उसे हम ऐसे काट के निकाल लेंगे। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने इसको काट लिया है। और या तो फिर आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हो, आलू की छलनी से भी इसको ये कर सकते हो। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। सो गाइज मैंने आलू की छलनी की मदद से इसे छील लिया अच्छे से, देखिए कितना अच्छे से छिल गया है। अगर आपको नाइफ से कंफर्टेबल नहीं हो रहा, अच्छे से नहीं छिल रहा है, तो आप इसे आलू की छलनी से छील सकते हो। तो इस तरह से मैं सारे छील के ले लेती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने तीनों के लिए छील लिए हैं। इसे जैसे ही छीलते हो ना, तो वैसे तुरंत इसको तेल में डाल दीजिए, नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक होने लग जाते हैं। और फिर आओ गाइस, इसमें मैंने 5 चम्मच पानी के लिए हैं, और इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दूंगी। ये सेंधा नमक लिया है मैंने, जो पास के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको नॉर्मल बनाना होता वो भी यूज़ कर सकते हो। हल्दी का 1 चम्मच लिया है, इसे अच्छे से घोल लेंगे हम। और चलो आओ अभी हम बनाना बनाते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया है, और यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है और किचन टॉवल लिया है हमने इसके ऊपर। तो हम बनाना लेंगे, और जैसे कि घर पे जो चीज़ें हैं उसे बनाना है। तो मैंने नाइफ से इसको छोटा छोटा काट के लूँगी और इसमें तेल में डालती जाऊँगी। तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। सो गाइस मैंने नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे काट के ले लिए थे, और इसको देखिए मैं एक एक काट के डाल रही हूँ ताकि ये चिपके ना। तो गाइस देखिए इसको अभी हम 3 से 4 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें जो हल्दी का पानी है जो मैंने बनाया था बैटर, ये डालेंगे। तो ये कब डालना है मैं बताती हूँ आपको। गाइस देखिए ये फ्राई हो रहे हैं, और देखिए अलग अलग है पूरे एकदम, जैसे बाजार टाइप बनते हैं ना वैसे ही बने हैं। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो देखिए अब मीडियम फ्लेम पे भी कितना गर्म है तेल, तो इसमें मैं पका रही हूँ इसको। इसको मैंने 5 से 10 मिनट पहले रख दिया था तेल को, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। सो गाइस देखिए ये ऑलमोस्ट बन गए हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक, 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे ये जो हमने हल्दी डाली थी ना नमक डाल के, तो इस तरह हम डाल, थोड़ा दूर होकर डालिएगा ताकि इसमें पीछे उठते हैं। थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी कलर के लिए, ताकि कलर अच्छा खासा येलो एकदम मार्केट टाइप बन सके। तो इसे 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी मैं, इसमें कलर भी आ जाए और ये अच्छे से पक भी जाए, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे।
तो गाइस देखिए हमारा बनाना बनके रेडी हो गया। देखिए आवाज़ आ रही है खुल खुल से। तो इस टाइम पे हम इसे निकालेंगे। एक से दो मिनट तक हमने इसे पकाया है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हो देखिए मार्केट साइड बनाना चिप्स बनाए हैं मैंने। देखिए एकदम अलग अलग बने हैं। मैंने इसे नाइफ की मदद से काट काट के डाला है इसमें मैंने। देखिए कितने सुंदर, कितना मस्त कलर आया है। अभी इसको दो से मिनट, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको दो से मिनट। और इसमें मेन टिप ज़रूर याद रखना, आप एक एक करके केला डालना, ठीक है, ताकि ये अच्छे से बन सके आपके केले। तो बनाना चिप्स बन के रेडी हो गए हैं। देखिए कितने यम्मी और टेस्टी क्रिस्पी लग रहे हैं। देखिए हम सेकंड टाइप ऑफ बनाना बना रहे हैं, तो ये हम लंबे लंबे बनाएंगे और इसमें हम कलर हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। इसे हम देखिए, इसे हमने लंबे लंबे केले को एकदम पतला सा करके काटा है। देखिए इतना पतला आपका रहना चाहिए ये केला चिप्स, एकदम पतला रहना चाहिए। देखिए एकदम पतला पतला काटना है आपको। तो ये मैंने नाइफ की हेल्प से काटा है। अगर आप लोगों के पास जैसे कि आलू छिलनी रहती है आलू छीलने के लिए, आलू चिप्स के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल यूज़ किया है नाइफ, तो नाइफ़ की मदद से भी अच्छे से हो जाता है। तो चलो आओ, हमारा तेल तो वैसे ही पहले से गर्म है तो हम अभी उसमें डालते हैं। सो तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है और अभी इसको एक एक दो दो करके डालेंगे हम इसके अंदर। कम क्वांटिटी में डालिएगा और थोड़ा दूर से डालिएगा ताकि तेल आपके ऊपर ना पड़े। तो गाइस देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है इसे अभी, और अभी ये फ्राई हो रहे हैं और मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखिए कितने अलग अलग बने हैं। तो ऐसे हमें थोड़े थोड़े करके डालने हैं ताकि ये चिपके ना। तो इसे भी हमें सेम टाइम लेना है फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी और क्रंची बनने के लिए। तो इसे भी 5 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कीजिए और आप याद रखिए आपकी जो फ्लेम है वो धीमी होनी चाहिए। गाइस देखिए हमारे बनाना बन के रेडी हो गए हैं। नवरात्रि व्रत के लिए बनाना, देखिए घर पे बनाना कितना इजी है, हार्डली आपको 10 मिनट्स में बन जाएंगे। और इसे ये भी बन गया है तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। सो गाइस देखिए मैं दूसरा सेट भी डाल रही हूँ इसमें बनाना चिप्स का, सेकंड राउंड। और इसमें आप देख सकते हो मैंने इसमें कोई भी हल्दी या नमक नहीं डाला है। जब ये बन जाएंगे उसके बाद मैं बताती हूँ इसमें क्या डालना है। सो गाइस देखिए हमारे वाइट बनाना बन के रेडी हो गए हैं और अभी इसमें डालने के लिए हम एक मिक्सर रेडी करेंगे, वो बनाते हैं हम अभी। चलाओ मिक्सर में सबसे पहले 1 चम्मच हम लोग नमक लेंगे, सेंधा नमक, और लेंगे घर का बनाया हुआ मसाला और इसको अच्छे से कर लेते हैं हम मिक्स अभी। और ये उपास का ही मसाला है, इसमें सिर्फ जीरा, धनिया और काली मिर्च डाली रहती है, तो वो सब चीज़ें उपास में डालते हैं। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो चलो अब इस पर हम डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से इसके अंदर डाल के। वो थोड़ा गर्म है, अभी अभी निकाले हैं तो गाइस हमारे बनानाज रेडी हो गए हैं। तो चलो आओ सर्व कर लेते हैं, हम सर्व कर लेते हैं अभी। तो हम पहले करते हैं बनाना चिप सर्व। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी है।
सो इसी तरह से हम दूसरे भी डाल लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बने हैं। सो गाइस देखिए हमारे बनाना चिप्स बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं ये। घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारे दोनों बनाना चिप्स बना के रेडी हुए हैं नवरात्रि व्रत के लिए। आप घर पे ज़रूर बनाइएगा, आपको शॉली बहुत टेस्टी लगेंगे बनाने के बाद। ये बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा इसमें, जैसे बाज़ार से आप लेते हो वैसे टेस्ट आएगा।